जुगाड़ में मैं लगा हुआ हूँ। मैंने बहुत मेरी कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1,32,00,000 को अभी हो गई और ये नाम जोड़ लेंगे तो 2-1 करोड़ तो हो जाएंगी मेरी बहनों। ये भाग किसका होगा, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली भाई आपके बीच में खड़ा हूं और तुम्हारे खाते में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपया हर महीना डालूंगा। और अगला कदम मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अब मैं लखपति बहना योजना बनाऊंगा। ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ये करके रहूंगा। क्यों गरीबी में जिए मेरी बहने, क्यों आंखों में आंसू लाए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। स्व सहायता समूह के माध्यम से इतने काम धंधे कि मेरी हर बहन लखपति बन जाए, ये करके रहूंगा। और किसान भाइयों, 1,250 बहनों को तो 1,000 अपन को भी तुम्हारे यार, 6 PM के, 6 CM के, 0% ब्याज पे कर्जा, सिंचाई की व्यवस्था, और अब तो गेहूं भी 2,700 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, धान 3,100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। किसान को पसीने की पूरी कीमत देंगे, किसान के पसीने की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटियों, जरा जरा से बच्चे अभी बेचारे धक्के खाते हुए भी आ रहे थे, मामा 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 कोई टीका करना चाहता है, मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना। और इसलिए बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। और जितेंद्र अभी कितने बन रहे हैं बड़नगर में, मैं 1,33 करोड़ की बिल्डिंग यहां बन रही, 1 नहीं 2 नहीं 10 सीएम राइज स्कूल बड़नगर विधानसभा में बने। हर 25-30 गांव में एक स्कूल सेंटर में मेरे गरीब बच्चे, किसान बच्चे भी बस में आए, बस में जाए, मामा के राज में बेहतर पढ़ाई मिले। अच्छे पढ़ते बच्चे तो लैपटॉप देता हूँ 75% की, अब 60% पे दे दूंगा। स्कूटी बेटा बेटियों को अलग दिलवाता हूँ। और बड़नगर वालों, ये मेरा कमिटमेंट है भांजे भांजियों के लिए, आप ध्यान से सुनना, ये मैं करके रहूंगा। और कोई जाति का भेद नहीं भैया, मैं भांजे भांजी में जात पात नहीं कर सकता कि ये अगला है, कि ये पिछड़ा है, कि SC है, कि ST है, मेरे सब बच्चे हैं। इसलिए तुम्हारा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ और उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ, तो सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, उन सब बच्चों की फीस मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। शिक्षा बुनियादी अधिकार है मेरे बच्चों का, बुनियादी अधिकार, उसमें कोई जात पात मैं नहीं देखूंगा। सब बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था ये मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जिंदगी बदलने का अभियान बच्चों का। और अगला एक और अभियान मेरा, प्रत्येक परिवार 1 रोजगार, हर परिवार में 1 रोजगार देंगे, कोई परिवार बिना रोजगार के नहीं रहेगा। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोले 1 रोजगार, प्रत्येक परिवार, ये करके रहेंगे, जिंदगी बदलना है। इस कांग्रेस ने सब योजनाएं बंद कर दी थी। एक बात और कहूंगा, जो खास बात है बस केवल वो बता रहा हूं, जिनके कच्चे मकान है गांव में भी और शहर में भी, पीएम आवास योजना में नाम नहीं आए, उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना, उन सबको भी पक्के मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी थी। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में और बिजली का बल 100 रुपया, बाकी मैं भरवाऊंगा, चिंता मत। ये जिंदगी बदलना है मुझे, जिंदगी बदलना है, इसलिए और कोई मेरे मन में भाव ही नहीं है। कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी, आई थी तो आपको पता है, सारी योजनाएं बंद कर दी थी, कन्यादान बंद, बेटियों की शादी के पैसा नहीं दिए, अब बेटियों की शादी करेंगे तो 1,00,000 रुपया विदाई में हम देंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंदर। कांग्रेस ने तीर्थ दर्शन बंद कर दी थी, अब मैं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत करना। संबल इनने बंद कर दी थी, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। और याद रखना मेरी लाडली बहनों, कांग्रेस अगर आई तो ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी, सब खत्म। तो इन बहुरूपियों से सावधान रहना, इनके चक्कर में मत आना। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी? तो ये सरकार फिर तो बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन बड़नगर वालों, सरकार हमारी तब बनती जब बड़नगर जीतते हैं, बड़नगर हारे तो सरकार नहीं बनी भाई।
तो बड़नगर वालों सरकार बनवाओगे कि नहीं? और इसलिए कहने आया हूं, जितेंद्र पंड्या को आशीर्वाद दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे दीजिए, मामा को भी दीजिए, मोदी जी को भी दीजिए, बोले सब तैयार है। मामा जी विकास करो, तो इस चुनाव को, इस चुनाव को आप जनता का आंदोलन बना दो। माता बहनों निकलो, भांजे भांजियों निकलो, किसान भाइयों निकलो, खुद चुनाव लड़ो और भारी बहुमत से जिताओ। बोलो सब तैयार है? उठाइए दोनों हाथ। संकल्प लेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।